है? राम सजन वर्मा। अच्छा, तो लगातार जो 3 दिनों से बारिश हो रही है, इसमें क्या खेती पे नुकसान गया हुआ है? इसमें भैया खेती में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सरसों का फूल है वो भी चला गया, सरसों बिल्कुल खेत में गिर गई। मसूर है वो जमीन ले गई। चना का भी नुकसान हुआ, केवल सींच का भी थोड़ा बहुत फायदा हुआ, लेकिन हर जींस का नुकसान है। अब मटरा जो है तो मटरा तो बिल्कुल बेकार हो गया, सड़ रहा है। मसूर और मटरा सड़ रहा है। आप हट जाइए ना। आपका नाम क्या है? रामदयाल। कौन सा गांव है? चंदवारी। जो बारिश हुई है, बारिश से आपको क्या घाटा क्या मुनाफा है? हमको बारिश से बहुत बड़ी क्षति हो गई। अच्छा, क्या क्या नुकसान है? मटर का नुकसान है, लाही का नुकसान है, चना का नुकसान और मसूर का नुकसान है। अच्छा, कौन की है? जो चंदवारी ब्लॉक में कितने गाँव पड़ते हैं? 56 गांव पर। 56 ग्राम पंचायत है। अच्छा अच्छा, तो आप सरकार से क्या लाभ लेना चाहते हैं? जो बीमा योजना के तहत जो भी सरकार दे वही हमें चाहिए। जो फसल बीमा योजना निकली है उससे सरकार से आप लाभ चाहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक ठीक। दिलाया जाए और उनका पूरा नुकसान शासन द्वारा मांग करके भरपाई की जाए। राम सुकेत यादव। राम सुकेत कहाँ के रहने वाले? उनके रहने वाले। अच्छा, क्या दिक्कतें हैं, आप किस लिए यहाँ पर आए हैं? दिक्कतें ये हैं कि जो है 5-6 दिन से लगातार बारिश हो रही है। हाँ। ओलावृष्टि भी हुई जो है, जिस तरह फसलों को भारी तरह से नुकसान। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप यहाँ से? जो है प्रशासन की तरफ से जो है कुछ न कुछ। अच्छा, सहायता चाहते हैं, मुआवजा चाह रहे हैं मिले किसानों को। आज भारी संख्या में किसान आए हुए हैं, क्या समस्या है, किस लिए आए हुए हैं? प्रहलाद करोगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बुंदेल किसान मजदूर, बुंदेलखंड किसान मजदूर संघ जी। हमारे पूरे बुंदेलखंड में 7 जिला 19 विधानसभा में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से हमारे किसान का भारी मात्रा में नुकसान हुआ है, जिसकी सूचना हम लोगों ने हर तहसील में ज्ञापन देने के लिए किया है। आपके यहाँ वर्तमान समय में पूरे राष्ट्रीय पदाधिकारी टीम के साथ माननीय SDM साहब महोदय जी को, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन सौंपना है, और माननीय यहाँ के मुखिया हमारे SDM साहब महोदय जी से निवेदन है कि वो तत्काल प्रभाव से अपनी टीम गठित करके किसानों की जांच कराएं और उनको उचित तत्काल प्रभाव से मुआवजा कराएं। यदि अगर 1 सप्ताह के अंदर ये कानूनी कार्रवाई नहीं पूरी होती और किसान संतुष्ट हमारा नहीं होता तो यहाँ इस प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना भी होगा और हजारों की संख्या में किसान उपस्थित होंगे। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार निरंजन, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुंदेलखंड किसान मजदूर संघ। अच्छा, किस समस्या को लेकर के आए थे? ये लगातार 5 दिनों से पूरे बुंदेलखंड में बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से हमारे किसानों की फसलें पूर्णतः नष्ट हो गई हैं, चाहे वह गेहूं हो, मटर हो, सरसों हो, मसूर हो, पूर्णतः नष्ट हो गई है। इसी को लेकर आज हम SDM महोदय बबेरू को ज्ञापन देने आए हैं
आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी के नाम कि जल्द से जल्द एसडीएम महोदय अपनी टीम गठित कर हर ग्राम पंचायत स्तर पे पूरी विधानसभा में और पूरे बांदा जिले में सर्वे कराएं और हमारी जो किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं उनका सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करें। इसीलिए हम आए हैं और अगर 7 दिन में टीम गठित नहीं होती है तो बुंदेलखंड किसान मजदूर संघ के पदाधिकारी कार्यकर्ता पूरे बुंदेलखंड में रोड चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो शासन प्रशासन से निवेदन है, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी निवेदन है कि सर्वे कराएं और हमारे किसानों की जो फसलें नष्ट हुई हैं उन्हें उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करें।